सभी भाइयों को नमस्कार, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं राजेश शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल राजेश गुरुजी। कार्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी हरई जिला छिंदवाड़ा का बड़ा अपडेट आपको बता रहा हूं। और हरई दिनांक 8/5/2024 का ऑफिशियल अपडेट है और क्रमांक 96 विकासखंड शिक्षा अधिकारी लेखा 2024 और प्रति है प्राचार्य सर्व शिक्षा अभियान हाई स्कूल हायर सेकेंडरी विकासखंड हर्रई अतिथि शिक्षक माह अप्रैल 2024 के देयक के संबंध में। और यहां पर बड़ा अपडेट अतिथि शिक्षकों के मानदेय को लेकर है। उपरोक्त विषय अंतर्गत लेख है कि आपके संकुल के अंतर्गत शासकीय प्राथमिक और शासकीय माध्यमिक शाला हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी संस्थाओं के रिक्त पदों के विरुद्ध कार्यरत अतिथि शिक्षकों के मानदेय उपस्थिति पत्रक के साथ उपस्थिति पंजी की छाया प्रति, समय सारणी की छाया प्रति, संस्था में किए गए कार्य की डेली डायरी की छाया प्रति में संस्था प्रमुख, संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक के हस्ताक्षर कर संलग्न करें। नवीन सत्र माह अप्रैल 2024 के देयक उपस्थिति के आधार पर 3 दिवस में इस कार्रवाई को अग्रसित करें, जिससे अतिथि शिक्षक का मानदेय का भुगतान किया जा सके। विकासखंड शिक्षा अधिकारी हर्रई जिला छिंदवाड़ा दिनांक 8/5/2024। सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग जिला छिंदवाड़ा की ओर से सादर सूचना। जिला कोषालय अधिकारी जिला छिंदवाड़ा की ओर से सादर सूचना। दोस्तों, नए नियम, और यहाँ पर आप जो रजिस्टर में साइन करते हैं उसकी फोटो कॉपी भी आपको देनी होगी, जैसे जो जानकारी जाती है संकुल में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, ये आदेश निकाला है बीओ ने, और उपस्थिति पंजी की छाया प्रति, समय सारिणी की छाया प्रति, संस्था में किए गए कार्य की डेली डायरी की छाया प्रति, संस्था में प्रमुख, संकुल प्राचार्य एवं जन शिक्षक के हस्ताक्षर। तो दोस्तों, ऐसे नियम अतिथि शिक्षकों के लिए क्यों? आखिर अतिथि शिक्षक स्कूल जाते नहीं हैं क्या? अतिथि शिक्षकों की नियुक्ति फर्जी की गई है? अगर फर्जी हो तो इस तरह की जानकारी मांगी जा सकती है। बाकी आप सभी क्या कहना चाहते हैं जरूर बताएं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक लीजिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।